क्लास में आपका हर्डी बीनवर्क प्रिंसिपल है, उस पे 12th क्लास में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम उसके प्रिंसिपल को अच्छे से समझेंगे और उनपे आने वाले न्यूमेरिकलों को भी समझेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हर्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल, पहले हम ये समझेंगे कि हर्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल है क्या और ये किस तरीके से फॉलो अप होता है। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है आपका, इज वैलिड फॉर अ पॉपुलेशन इन इक्विलिब्रियम और नॉन इवॉल्विंग। सिंपली मीन्स ये है कि ये ऐसी पॉपुलेशन पे फॉलो होगा जहां पर कोई भी इवोल्यूशन ना हो, इक्विलिब्रियम हो, एक साम्यवस्था हो, वहां पर कोई भी चेंजेस ना आ रहे हो, ना कोई म्यूटेशन हो रहा हो, किसी भी तरीके का डीएनए में कोई चेंज ना आ रहा हो। सिंपली मीन्स ये है कि हम उसका एवोल्यूशन नहीं, क्योंकि एवोल्यूशन की नीड होती है जब कुछ चेंजेस आते हैं किसी पॉपुलेशन में, कोई चेंज आते हैं उस समय हमें एवोल्यूशन की नीड होती है। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे, इज वैलिड, ये जो प्रिंसिपल है ये कहां पर किस पॉपुलेशन में वैलिड होगा, इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन पर जो कि नॉन इवॉल्विंग है। ठीक है, नॉन इवॉल्विंग मतलब जिसका एवोल्यूशन हम नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर कोई भी चेंज नहीं होंगे। अब नेक्स्ट अगर हम इसकी एप्लीकेशन को देखें, इसकी डेफिनेशन को देखें, तो स्टेट दैट एलील फ्रिक्वेंसी एंड द जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एलील फ्रिक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सिंपली मीन्स ये है कि जो एलील की फ्रिक्वेंसी है और जो फीनोटाइप फ्रिक्वेंसी है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या है, कॉन्स्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे समझेंगे। एक पॉपुलेशन ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है जिसमें 5 इंडिविजुअल है। ठीक है, देखिए ये पॉपुलेशन है, इसमें 5 इंडिविजुअल हैं और ये 5 इंडिविजुअल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, इनमें जो ये है ना, ये आपके एलील है, ये पेयर ऑफ एलील है। यहां पर टू टाइप के एलील है, एक आपका कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी, टू टाइप के एलील है। ठीक है, तो ये हम 5 इंडिविजुअल पर इस प्रिंसिपल को अच्छे से क्लियर करेंगे फ्रेंड्स, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी और जितने भी जो न्यूमेरिकल आते हैं इससे क्रॉस नहीं जाएंगे। बस केवल आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें। अब देखिए यहां बात करें, ये 5 इंडिविजुअल की हम एक छोटी सी, वैसे पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए लेकिन हमने यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन लिए आपको केवल इस रूल को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो सपोज दैट हमने 5 इंडिविजुअल लिए और ये 5 इंडिविजुअल आपके 1, 2, 3, 4, 5 इंडिविजुअल है और ये आपके एलील है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं जीन पूल। देखिए जीन पूल क्या होता है, जीन पूल इज द टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन आवर पॉपुलेशन। जो टोटल एलील है, जो टोटल एलील का जो सम है वो क्या है, जीन पूल है। मतलब इस पॉपुलेशन में जितने भी आपके एलील हैं उन सभी एलील को आप इसमें बंद कर दें तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका जीन पूल। उस पॉपुलेशन में जितने भी टोटल नंबर ऑफ जीन है वो आपका जीन पूल हो गया। जैसे यहाँ पे अगर काउंट करें तो 10 एलील है और यहां भी अगर हम काउंट करें तो वही एलील हमने एक सर्कल में बंद कर दिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये एक तरीके से जीन पूल हो गया। सम टोटल ऑफ ऑल एलील टेक टुगेदर, सारे जो एलील है वो एक जगह आ जाते हैं। अब बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले आपसे कहा था कि ये जो रूल है, ये जो प्रिंसिपल है इनका, ये एलील फ्रिक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगी जनरेशन टू जनरेशन। तो यहां हम समझेंगे कि एलील फ्रिक्वेंसी को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, देखिए यहां पर हमारा डोमिनेंट एलील कैपिटल टी है। ठीक है, तो उसकी हमने फ्रिक्वेंसी मान ली कि पी है। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे कि हमारे इसमें जो कैपिटल टी के एलील हैं वो कितने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसका मतलब है जो हमारे डोमिनेंट एलील हैं जो कैपिटल टी है वो कितने हैं, 6 हैं। तो हमने 6 ऊपर लिख लिया। अब टोटल जो एलील हैं, अगर हम इसमें टोटल एलील काउंट करें तो टोटल एलील कितने हैं, 10 हैं। अब 10 से अगर हम डिवाइड करें 6 को तो 0.6 आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। तो रिसेसिव एलील क्या होता है, स्मॉल टी, यहां पे स्मॉल टी है। ठीक है, अब स्मॉल टी काउंट कर ले तो 1, 2, 3 एंड 4, इसका मतलब है जो रिसेसिव एलील है वो कितने नंबर में, 4। तो यहां पे आ गया 4 और टोटल एलील कितने हैं आपके, 10 है। तो क्यू आपका इक्वल टू कितना आ गया, 0.4। अब देखिए जो आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ये आपकी क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, जैसे 0.6
प्लस 0.4 इक्वल टू 1। तो ये तो हमने समझ ली आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील। अब समझते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फीनोटाइप, क्योंकि दोनों ही रिमेन कॉन्स्टेंट रहेंगी। अब यहां पे देखिए हमारे पास कितने टाइप के एलील है, केवल टू टाइप के एलील है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हमने इनमें क्रॉस कराया, ठीक है। क्रॉस कराने के बाद अब यहां समझेंगे हम कि होमोजाइगस और हेटरोजाइगस कंडीशन कैसे निकालेंगे। देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट, अब समझ लीजिए होमोजाइगस डोमिनेंट यहां पर हम पर कैपिटल टी क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो हमने जो कैपिटल टी को क्या माना था, पी माना था, तो पी मल्टीप्लाई पी इक्वल टू पी स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास रिसेसिव एलील कौन सा है, ये है केवल स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी को हमने क्या माना था, क्यू माना था, तो क्यू का मल्टीप्लाई क्यू में करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं जो थर्ड कंडीशन है वो आएगी आपका हेटरोजाइगस डोमिनेंट। तो देखिए हेटरोजाइगस डोमिनेंट में हम देखें, एक तो आपका ये हेटरोजाइगस डोमिनेंट है और एक ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो टू टाइम है, एक तो ये आया और एक ये आया। तो हमने क्या किया, टू का मल्टीप्लाई कैपिटल टी स्मॉल टी में कर दिया। अब टू मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने टी को क्या माना था, पी, और स्मॉल टी को क्यू, ठीक है। अब हम यहां पे देखेंगे, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल टू वन। अगर हम ये वाली इक्वेशन, ये वाला जो हमने वैल्यू है उसको हम यहां रखेंगे तो ये भी क्या है, वन आ जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हम कोई भी अगर डेफिनेशन आती है उसको भी क्लियर कर सकते हैं आप पूरा। अगर ये आपका प्रिंसिपल आता है तो बिल्कुल सिंपली, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इजीली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो लिमिटेशन है, क्राइटेरिया क्या है। देखिए क्राइटेरिया समझो, ये जो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल है ये कब फॉलो होगा। एक तो देखिए पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, पहला ये ध्यान रखना है पॉपुलेशन लार्ज हो, और आपका जो सेकेंड है वो रैंडम इंटरब्रीडिंग हो, मतलब यहां पर हम अपने अकॉर्डिंग ब्रीडिंग नहीं कराएंगे, रैंडमली ब्रीडिंग होगी, और नो नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होगा यहाँ पे, नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन भी नहीं होगा, और नो इमिग्रेशन और नो इमाइग्रेशन, ना तो कोई पॉपुलेशन अंदर आएगी और ना कोई पॉपुलेशन बाहर जाएगी। तो ये क्राइटेरिया है, इस लॉ को अगर ये लॉ अगर फॉलो होता है तो ये क्राइटेरिया इसको कंप्लीट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस पर हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन समझ लो आप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं अक्सर कर एग्जाम में। देखिए फ्रेंड अब फर्स्ट क्वेश्चन समझिए आप, इफ एज आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सप्रेस द रिसेसिव फीनोटाइप, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वुड बी द हेटरोजाइगस। इसका मतलब है कि ये आपसे हेटरोजाइगस की कंडीशन पूछ रहे हैं कि हेटरोजाइगस कितने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हेटरोजाइगस कंडीशन हम कैसे समझेंगे, जैसे हमारे पास जो इंडिविजुअल हैं वो कितने हैं, देखिए फ्रेंड ये न्यूमेरिकल थोड़ा ध्यान से समझे, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके आते हैं और ये मैं आपको थ्री न्यूमेरिकल समझाऊंगा, इसमें से आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे कि हम किस तरीके से इसको निकालेंगे। अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक मिनट के लिए मैं सेट करता हूं इसको। देखिए ये कह रहे हैं इफ एज आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दें आप, इन आर पॉपुलेशन एक्सप्रेस रिसेसिव फीनोटाइप व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वुड बी द हेटरोजाइगस। मतलब इन्होंने ये कहा है कि जो आपका रिसेसिव एलील है, रिसेसिव एलील के बारे में दिया है इन्होंने, तो 98 में, देखिए 98 ये 98 है, थोड़ा यहां पर बाई मिस्टेक हुई है, देखिए ये आपका क्या 98 है, तो 98 है आपके 200 में से। तो अब हम यहां लिखेंगे जैसे आपका रिसेसिव एलील है, देखिए रिसेसिव एलील समझिए आप, रिसेसिव एलील कितना है आपका, कितना दिया है पॉपुलेशन है, ये दिया है आपका 200 में से, ठीक है फ्रेंड्स 200 में से है ये। तो ये आपका जो रिसेसिव एलील होता है वो आपका होता है क्यू स्क्वायर, ठीक है ध्यान से समझना,
ये क्या है क्यू स्क्वायर होता है, आपका जो रिसेसिव एलील है वो क्या होता है क्यू स्क्वायर होता है। यहां पर अगर हम 200 को 200 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.49। ठीक है, अगर हमको क्यू निकालना है तो हमारा क्यू कितना हो जाएगा 0.7। ये हमारा क्यू निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम, यहां पे क्यू निकल के हमारा आ गया क्यू बराबर 0.7 आ गया, तो हमें पता है कि पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। अब यहां पे हमें हमारा क्यू निकल के आ गया तो हमें क्या करना है, 1 में से क्यू की वैल्यू माइनस कर देनी है। ठीक है, तो हमारा पी इक्वल टू क्या आ गया, हमारा पी इक्वल टू आ जाएगा 0.3। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमारी जो फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी कि हमसे ये पूछ क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था, ध्यान से समझिए, व्हाट द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी द हेटरोजाइगस। तो हमारे पास देखो हेटरोजाइगस जो पॉपुलेशन थी, ध्यान से समझो, हेटरोजाइगस पॉपुलेशन क्या थी हमारे पास, हेटरोजाइगस पॉपुलेशन थी हमारे पास 2 × p × q। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, हेटरोजाइगस, क्योंकि अगर हम बात करें जो हेटरोजाइगस पॉपुलेशन है वो ये होती है। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे 2 × 0.3 × 0.7, तो टोटल आ जाएगा आपका आंसर इसका 42.42%। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपली ये है कि हमें जो निकालना है वो हमें देखना पड़ेगा पहले। जैसे यहां पे सिंपली देखो, सिंपली समझो, 200 में से 98 इंडिविजुअल क्या है, रिसेसिव फीनोटाइप है। रिसेसिव फीनोटाइप सिंपली मैंने आपको बताया था, देखिए रिसेसिव फीनोटाइप के लिए क्या है, हमारा रिसेसिव फीनोटाइप ये है, ये क्या हमारा रिसेसिव फीनोटाइप है। अब यहां पर हेटरोजाइगस कंडीशन में हमने निकाला, जैसे देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है वो रिसेसिव दिया हुआ है, तो रिसेसिव में क्या आ गया आपका कि 200 में से 98 है, तो हम क्या निकालेंगे, क्यू निकालेंगे ना, क्योंकि रिसेसिव एलील है। क्यू निकल के आ गया हमारा 0.7, तो 1 होता है टोटल, दोनों का सम 1 होता है। अब 1 में से 0.7 अगर लेस करेंगे हम तो 0.3 आ गया। ठीक है, अब 0.3 आने के बाद फिर क्या करेंगे हम, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था हेटरोजाइगस कंडीशन। तो देखिए हमारी हेटरोजाइगस कंडीशन अगर हम इस फॉर्मूले के अगर देखें, हम हमारी हेटरोजाइगस कंडीशन ये, ठीक है, अब यहां पे हमने यही हेटरोजाइगस कंडीशन का फॉर्मूला रख दिया और हमारा आ गया 42। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये कह रहे हैं इफ द 51, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये कह रहे हैं इफ द 51% पॉपुलेशन कैरी एट लीस्ट 1 कॉपी ऑफ रिसेसिव एलील, फाइंड आउट द डोमिनेंट इंडिविजुअल। तो देखिए यहां पर सिंपली आप समझो आपकी इन्होंने दिया क्या है हमें, 50% पॉपुलेशन कैरी एटलीस्ट 1 एलील, मतलब ऐसी पॉपुलेशन जिसके पास कम से कम एक रिसेसिव एलील होगा। ठीक है, अब देखिए यहां हम ऊपर ध्यान देते हैं कि एक रिसेसिव एलील हमें किस किस में मिल सकता है। देखिए यहां पर एक रिसेसिव एलील है, एक पेयर यह है जहां एटलीस्ट 1 रिसेसिव है, इसमें 2 रिसेसिव एलील है। ठीक है, अब देखो एक रिसेसिव एलील इसमें है और एक रिसेसिव एलील इसमें है। इसका सिंपल मींस ये है कि जो क्वेश्चन में हमें दिया है वो क्या दिया है, वो क्वेश्चन में हमें दिया है कि कम से कम एक रिसेसिव एलील होना चाहिए। तो देखिए हमें 2 अगर रिसेसिव है वो भी चलेगा, लेकिन एक से एक तो कम से कम रिसेसिव एलील होना ही चाहिए। अब समझिए हमारे पास जो रिसेसिव एलील के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब है हमारे पास एक तो ये हो गया, एक तो ये रिसेसिव एलील के लिए हो गया। ठीक है, और एक हमारा रिसेसिव एलील के लिए ये हो गया स्मॉल टी, जिसको हम कह रहे हैं क्यू स्क्वायर। इसका मींस ये है कि अब हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो समझो कि दिया क्या है हमें क्वेश्चन में सिंपली ये दिया है, देखिए कि क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये हमें दिया है। कितना दिया है, 50%, इसका मतलब है 50% में दिया है, तो हम इसके नीचे 100 लगा लेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, 0.51। तो ये आ गया हमारा क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब ये निकलवा क्या रहे हमसे ये समझिए आप, फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल, मतलब डोमिनेंट इंडिविजुअल का निकालना है। किसका निकालना है, डोमिनेंट इंडिविजुअल का।
अब डोमिनेंट इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी हम जब निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगी, यहां पर डोमिनेंट होमो जाएगा नहीं पूछा, यहां पूछा है डोमिनेंट, देखिए यहां पे आपको डोमिनेंट इंडिविजुअल पूछा है, यहां पे डोमिनेंट होमोजाइगस नहीं पूछा। अगर डोमिनेंट होमोजाइगस पूछा होता तो इसका मतलब है कि हमें केवल पी स्क्वायर निकालना था, लेकिन यहां पर टोटल डोमिनेंट इंडिविजुअल पूछा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा इक्वेशन था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल टू आपका वन होता है। अब हमारे पास देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 51 आई है, तो हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस पॉइंट 51, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपका, यहां आ जाएगा आपका पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सॉरी 0.49 और पी इक्वल टू 0.7। अब देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, पी की आ गई, हमें पता है कि आपका P प्लस क्यू इक्वल टू वन होता है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए P की वैल्यू आ गई तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, Q की वैल्यू हो जाएगी 0.3, हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा टोटल इंडिविजुअल, देखिए अगर हमसे कहा होता कि होमोजाइगस डोमिनेंट अगर हमसे कहा होता, ठीक है, देखो यहां क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये कह रहा है डोमिनेंट इंडिविजुअल, मतलब इसने टोटल डोमिनेंट इंडिविजुअल के बारे में बात की है। अब यहां दोबारा से आ जाते हैं इस रूल पे, देखिए टोटल डोमिनेंट इंडिविजुअल इसमें क्या होगा, देखिए एक तो ये आपको डोमिनेंट है, एक ये वाला डोमिनेंट है, एक ये वाला डोमिनेंट है और एक ये वाला डोमिनेंट, ये टोटल इंडिविजुअल डोमिनेंट है। यहां होमोजाइगस नहीं पूछा, यहां पूछा है टोटल डोमिनेंट इंडिविजुअल। अब यहां पे अगर हम इसको माने कैपिटल टी कैपिटल टी को, तो ये आपका पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर माने हम कैपिटल टी स्मॉल टी के टू है तो यहां पे टू पी क्यू हो जाएगा। तो हमसे जो पूछा है वो पूछा क्या है वो समझो ध्यान से, हमसे ये पूछा है देखिए पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, ये पूछा है हमसे, ये टोटल इंडिविजुअल आपके क्या है डोमिनेंट हो गए। अब देखिए पी स्क्वायर हमारा कितना है, यहां पे अगर हम बात करें पी स्क्वायर हमारा कितना आया था, पी स्क्वायर हमारा आया था 0.49, ठीक है, यही तो आया था हमारा पी स्क्वायर, और 2pq क्या हो जाएगा हमारा 2p मल्टीप्लाई क्यू। अब देखिए यहां पे p की वैल्यू 7 है, q की वैल्यू 3 है, तो 7 3 21 हो गया, इसका मतलब ये आ जाएगा 0.42। तो अब टोटल हमारा क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 0.49 प्लस 0.42, कितना हो जाएगा टोटल 0.91, ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्योंकि डोमिनेंट होमोजाइगस नहीं पूछा, अगर डोमिनेंट होमोजाइगस पूछा होता तो हमें केवल ये निकालना होता, लेकिन उन्होंने पूछा टोटल डोमिनेंट इंडिविजुअल, तो डोमिनेंट इंडिविजुअल में आपके हमारे पास 2p की भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए, आपके जो सीबीएसई बोर्ड की 12th क्लास की जो एग्जाम होगा उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और शायद जो मैंने आपको ये रूल बताया हार्डी बेनबर्ग में, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप पूरा इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपकी सारी क्वेरी कंप्लीट हो जाएंगी, देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ब्राउन हेयर, ये ब्राउन हेयर का एलील है, इज डोमिनेंट ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है, ब्राउन हेयर डोमिनेंट है ब्लॉन्ड हेयर पे, इफ देयर आर 168 ब्राउन हेयर प्यूपिल इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200, मतलब 200 में से 168 के पॉपुलेशन के हेयर कैसे हैं, ब्राउन है। अब हमें निकालना क्या, देखिए यहां 3 क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगस, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव, 3 क्वेश्चन है हमारे पास, 3 क्वेश्चन हमें यहां पे फाइंड आउट करने हैं। तो यहां समझ लो आप किस तरीके से निकालेंगे इसको, देखिए यहां पे सबसे पहले हमें निकालना होगा कि हमें जो दिया है वो हम नोट कर लेंगे, पहले हमें क्या दिया है, देखिए
ये कह रहे हैं कि ब्लॉन्ड हेयर, बी क्या है हमारा, ब्राउन है, सॉरी, ठीक है, ब्राउन हेयर एच ए है, और स्मॉल बी क्या है, ब्लॉन्ड हेयर। अब हमें जो दिया है वो दिया क्या है, ये सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि हमें जो दिया है वो क्या है। ये कह रहे हैं देखिए, इफ द 168 राउंड हेयर, इसका मतलब है डोमिनेंट, इसका मतलब है ये जो हमें दिया है ना, ये दिया है डोमिनेंट इंडिविजुअल की काउंटिंग, जो डोमिनेंट हैं उनकी काउंटिंग दी है। अब यहां समझ लो कि हम डोमिनेंट की काउंटिंग कैसे करते हैं, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, हम इसको मानते हैं डोमिनेंट इंडिविजुअल, और क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, इसको मानते हैं हम रिसेसिव इंडिविजुअल। ये आपका डोमिनेंट इंडिविजुअल के लिए, ये रिसेसिव इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। अब हमें जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल टू हमें क्या दिया है, 168 दिया है, तो 168 कितने में से है, ये 200 में से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें वही इक्वेशन लिख लेनी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल टू 168 अपॉन 200, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें करना क्या है कि जो इक्वेशन हमारी ये पूरी है, ये पूरी इक्वेशन ये किसके इक्वल होती है, ये होती है वन के इक्वल, किसके इक्वल होती है, ये वन के इक्वल होती है। अब हमें ये वाला दिया है ना आपका क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, हमें ये नहीं दिया, हमें हमें जो निकालना है वो ये प्लस ये, क्योंकि हमें डोमिनेंट से मतलब है। तो यहां पे आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल टू हम बन लेंगे, तो हमारी जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस 168 अपॉन 200, क्योंकि देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना, देखो एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, ये आपकी डोमिनेंट है, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, ये डोमिनेंट वैल्यू है। हाँ तो फ्रेंड यहां पे हम देखें कि ये वाला जो, देखिए ये हमें निकालना है, अब क्या करेंगे हम, यहां से हमें क्यू स्क्वायर निकालना है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू अगर देखें इस पूरी कैलकुलेशन को हम सॉल्व करें, तो 200 माइनस 168 अपॉन 200, ठीक है। अब क्या आता है आपका, फाइनली अगर हम देखें कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू, क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.16, अगर कैलकुलेट करेंगे आप, और क्यू इक्वल टू आ जाएगा 0.4, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया क्यू, आ रहा है ना समझ में, ये आपका क्यू निकल के आ गया। अब हमें करना क्या, हमें जो क्वेश्चन दिया है, हमारे पास पी आ जाएगा 0.6, क्योंकि टोटल 1 होता है। अब दोनों की वैल्यू निकल के आ गई, अब हमें वन वन क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो समझो, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगस, ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको यहां पे, हेटरोजाइगस के लिए हम क्या करते हैं, 2 × p × q, ठीक है, हेटरोजाइगस। अब हेटरोजाइगस के लिए हमारे पास ये दोनों है, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 4 और 6, तो 4 × 6 = 24, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे और यहां पे आ जाएगा 0.48, ये आपका पहले का आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कैसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस यहां पे ये डोमिनेंट पूछा है, थोड़ा ध्यान नहीं रहा, यहां डोमिनेंट है, यहां पे आपका रिसेसिव है, ये डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। अब देखिए हमें पता है कि डोमिनेंट हमारा क्या होता है, पी स्क्वायर होता है, जो होमोजाइगस डोमिनेंट है पी स्क्वायर है। अब p की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 है, तो 0.6 का अगर हम स्क्वायर करें तो p इक्वल टू 0.36, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। अब थर्ड कह रहे हैं आपका होमोजाइगस रिसेसिव, तो होमोजाइगस रिसेसिव को यहां समझो आप, होमोजाइगस रिसेसिव सिंपली क्या है हमारा, क्यू स्क्वायर, ठीक है, यही तो होमोजाइगस रिसेसिव। हमारे पास वैल्यू क्या थी हमारी, 4 और 6, लेकिन हमें क्या करना है, क्यू
क्यू हमारे पास कितना है 0.4, यहाँ सिंपली आपका 0.4 का स्क्वायर कर दें तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0.16। तो फ्रेंड ये इस तरीके से आप क्वेश्चंस अगर आते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे, आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया प्लीज। तो फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से तैयार करें, बहुत सिंपली मैंने आपको समझाया, और हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से कोई भी क्वेश्चन आता है आपका ट्वेल्थ क्लास में विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, कहीं भी कोई डेफिनेशन आए सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और केवल अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपनी नॉलेज के लिए और अपने एग्जाम को अच्छा करने के लिए, अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है कहीं भी क्रॉस नहीं जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन हो, इसीलिए मैंने आपको कई न्यूमेरिकल भी करके यहाँ पे दिखाए हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वेरी वेरी मच फॉर माई वीडियो, वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।